चिल्ड्रन टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स एंड अपन मैथ्स के चैप्टर पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8E। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम यूजिंग द प्राइम फैक्टराइज मेथड। मेथड ये बोल रहा है कि इनका एलसीएम फाइंड करना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइज मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। वो करेंगे, सबसे पहले अपन क्वेश्चन डाल लेंगे 42 एंड 70। अब इनका एलसीएम लेंगे, अलग अलग एलसीएम लेना आपको सिखाया मैंने। सबसे पहले कौन सी टेबल देखें? सबसे छोटी टेबल किसकी है? 2 की। उसे 42 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 21 यहाँ डाल लेंगे। फिर 23 जो है 2 की टेबल से आएगा, 3 की टेबल से आएगा, 3 से आएगा 7 टाइम, तो 7 यहाँ डाल लेंगे। फिर 7 जाएगा 7 से 1 टाइम। फिर इसका कर लेंगे अलग, 70 से दिया 35, 5 से दिया 7 और 7 से दिया 1। फिर लिखेंगे फैक्टर ऑफ 42। फैक्टर के फैक्टर क्या है? 2 × 3 × 7। ये देखो ये तीनों है, लेकिन फैक्टर ऑफ 70। 70 के फैक्टर क्या है? 2 × 5 × 7। ये तीनों होंगे, ये लिख देंगे। फिर आएगा इसका एलसीएम। एलसीएम करने से पहले अपन देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, समान क्या क्या है। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 7, इसमें भी 7 है, तो इन दोनों में से 2 लिख लेंगे। दो 2 है इसमें से 1 लिख लेंगे। 2 × 3 × 5 × 7। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, सॉरी इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, ठीक है। तो दोनों ये 3 और 5 भी अपन को लिखना है। दोनों में से 2 1 लिख लिए, 3 लिख लिए, 5 लिख लिए, दोनों 7 से 1 7 लिख लिए। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 37 = 210। तो एलसीएम कितना आ गया? 210 आ गया। लेकिन सेकंड है 18 एंड 27। ऐसे इसका पहले एलसीएम लेंगे अलग अलग। 2 से काटा 9 टाइम, 3 से काटा 3 टाइम, 3 से काटा 1 टाइम, 3 से काटा 9 टाइम, 3 से काटा 3 टाइम, 3 से काटा 1 टाइम। फिर लिखेंगे फैक्टर। फैक्टर ऑफ 18 = 2 × 3 × 3। तो 3 लिख दिया, नहीं फैक्टर ऑफ 27 3 × 3 × 3 × 3 = 3 लिख दिया। फिर इसका एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम लेने के पहले अपन देख लेंगे कॉमन कॉमन कौन सी है। तो देखो ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, लिख देंगे 2 × 3 × 3 × 2 × 3। इन दोनों 3 में से 1 3 बार आ गया, इन दोनों 3 में से 1 3 बार आ गया। 2 बचा तो 2 लिख दिया, ये 3 बचा तो 3 लिख दिया। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 9, 2 × 18 = 18, 3 = 54 आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 54। इसी करेंगे फिर नेक्स्ट वाला 12 एंड 15। 12 और 15 का पहले एलसीएम लिया अलग अलग, फिर इनके फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर ऑफ 12 = 2 × 2 × 3। फैक्टर ऑफ 15 × 3 × 5। देख लिए कॉमन कौन सा है? 3 3। एलसीएम लिखेंगे, लिखने के बाद इन दोनों में 3 में से 1 3 बार निकाल लिया, 1 2 लिख लिया, फिर 1 2 लिख लिया, फिर 1 5 बचा तो 5 लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 16। ऐसी नेक्स्ट वाला करना है, ऐसी ये वाला भी करना है। इसमें बस 3 नंबर है, 24, 36 और 45। तो क्या करेंगे? तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे अलग अलग, जैसे कि पहले 24 के लिए, फिर 36 के लिए, फिर 45 के लिए। तीनों का अलग अलग लिख लिया, फिर तीनों के फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर ऑफ 24, फैक्टर ऑफ 36 और फैक्टर ऑफ 45। मैंने तीनों के फैक्टर लिख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे? तीनों में कॉमन देखेंगे कि तीनों में कॉमन कौन कौन से। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 2 हुआ है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 3 हो गए। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, जो इन दोनों में मिले वो भी ले लेंगे, दोनों में मिले वो भी ले लेंगे। ऐसा नहीं कि तीनों मिलना चाहिए, नहीं, दोनों में मिला तो अभी अपन इसको कॉमन ले लेंगे। देखो लिख देंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 5। देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 2 थे 1 निकाल लिया, 2 3 थे 1 निकाल लिया, 2 3 और थे 1 निकाल लिया, पूरे 3 ने लिखे है ना। फिर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 360, ठीक है। देन नेक्स्ट इसका एफ वाला क्वेश्चन भी ऐसी करना है। पहले तीनों का अलग अलग क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद में उसका क्या करेंगे? फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर लिखने के बाद में उसका एलसीएम निकालेंगे, फिर उसका एलसीएम आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट भी करना है, ऐसे इसका ये एच वाला भी और आई वाला भी हो जाएगा। फिर देखें इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। ये बोल रहा है अपन ने किससे किया? प्राइम फैक्टराइज मेथड किया। अब इसको शॉर्ट डिवीजन मेथड से निकालो, तो निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे 15 और 45। पहले अपन ने एलसीएम अलग अलग लिया था, अपन एलसीएम एक ही जगह लेंगे। देखो दोनों के इसमें लिख लिया मैंने, देखो दोनों के लिख लिख के कैसे कटते हैं। ऐसी टेबल देखेंगे जैसे दोनों टेबल कट जाएँ, पहले तो ऐसा नंबर देखेंगे जैसे दोनों नंबर कट जाएँ, नहीं कटेंगे तो कोई बोलेंगे वो आगे देखेंगे। देखो पहले देखा है 3 3 से दोनों कट जाएंगे, 5 टाइम ये 15 टाइम। फिर भी 3 से कट जाएगा, 3 से 5 कटेगा नहीं, अगर 3 के टाइम 5 आता ही नहीं है तो 5 ऐसे कैसे उतार देंगे। लेकिन 15 तो कट जाएगा, इसलिए 3 5 = 15 अब 5 अपन लिख देंगे। 5 ऐसे कैसे उतार देंगे, 3 की टेबल से नहीं कटेगा, इसलिए 15 कट जाएगा तो 5 लिख देंगे। फिर 5 से कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। दोनों कैलसीएम एक जगह ले लिया, तो हमने लिखा एलसीएम। इसका अपन को कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे 3 × 3 × 5। यही है 3 × 3 × 5, 3 3 = 9, 9 5 = 45 आंसर आ गया। ऐसे इसमें करेंगे 72 और 32 दोनों लिख लिए। फिर 2 की टेबल से काटेंगे, ये कट जाएगा 36 बार, ये कट जाएगा 16 बार, दोनों को उतार लेंगे। कॉमा लगा के बीच में, कॉमा जरूर लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? ताकि पता चले कि ये इसका है और ये इसका है। फिर 2 से दोबारा करेंगे 18 टाइम, ये 8 टाइम। 2 से दोबारा करेंगे 9 टाइम, ये 4 टाइम। फिर 2 से 4 को काट देंगे, 9 तो कटेगा नहीं, तो 9 ऐसे कैसे जैसे चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा तो इसकी टेबल से डिवाइड नहीं देंगे। किसकी? 3 की टेबल से। 4 2 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2,
9 ऐसे कैसे उतार लिए, फिर 3 से कटेगा 9, 3 जा 9, 1 ऐसे कैसे उतार देंगे, 3 बन जाए 3, तो 1 ऐसे कैसे ये भी उतार देंगे। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये सारे 2 लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, जब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 32 = 32, 32 × 3 = 3, जो भी आंसर आएगा उसमें, फिर उसका आंसर जो आएगा उसमें 288 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे इसका करना है 12 और 20 का, पहले इन दोनों को क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे, दोनों का साथ में 2 से काट देगा, फिर 2 से जो नहीं जो नंबर नहीं कटेगा, जैसे 3 आ गया यहाँ पे 5 लिखा है, अब जो 5 ऐसी कैसे यहाँ उतार दिए, क्यों उतार दिए, क्योंकि 3 से जो है 5 नहीं कटेगा, 3 के टाइम 5 आता नहीं, इसलिए वैसे किसी नंबर उतार देते हैं। फिर लिखेंगे एलसीएम 2 × 2 × 3 × 5, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60 आंसर आ जाएगा। ऐसी इसमें करना है, ऐसी नेक्स्ट में करना है, इसमें क्या है आपके 3 नंबर है 14, 16 और 8, तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें भी 3 नंबर में बेसी करते हैं, 2 से काट देंगे 2 × 7 = 2, 8 × 2 = 4, फिर देखो 7 ऐसे कैसे उतार देंगे, फिर 2 से दोबारा काटेंगे क्योंकि 8 और 4 2 के टेबल में आते हैं, बट 7 नहीं है तो 7 ऐसे कैसे उतार देंगे, 2 × 4 = 2, 2 × 2 = 4, फिर 7 ऐसे कैसे उतार देंगे, फिर काटेंगे 2 के टेबल से 2 × 4 = 2, 2 × 4 = 2, तो 2 उधर बन उतार देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर 2 के टेबल से दोबारा काटेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, 7 ऐसे कैसे लिख देंगे 2 × 2 = 2, 1 का 1 ऐसे कैसे उतार देंगे, फिर 7 कैसे कटेगा तो 7 × 7, जब तक एलसीएम लेते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 7, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 7 = 112 लिख देंगे। ठीक है, इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है, 3 लिखें, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों को एक साथ लिख देंगे, फिर इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी में करना है नेक्स्ट वाले में, 7th वाले में, है ना। अभी आपके जो 2 क्वेश्चन और बचे हैं 8 वाला और 9 वाला, इसमें भी अपन ऐसे ही करेंगे, पहले अपन क्या लेंगे एलसीएम लेंगे साथ में मिला के सबको, फिर ये जो आ रहा है अपना ये जो ये फैक्टर करेंगे, फिर जो अपने जो एलसीएम है इन सबको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 5 = 120, ठीक है ये हो जाएगा।